Hello everyone, today we are going to explore the Christmas market in Edinburgh. Welcome to Scotland. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ नोमैडिक नोटियाल और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एडिनबरा सिटी, जो कि स्कॉटलैंड की कैपिटल है। प्लस इंडियन आर्मी एंड स्कॉटलैंड मिलिट्री के बैकपाइपर्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो भी मैं आपको यहाँ पर स्ट्रीट शो में पक्का दिखाऊंगी। एडिनबरा सिटी देखते ही या घुसते आपको हैरी पॉटर तो याद आएगा, क्योंकि यहाँ उनकी जो राइटर थी जेके रॉलिंग, उन्होंने यही बैठ करके हैरी पॉटर की किताबें लिखी थी। तो आगे मैं दिखाने वाली हूँ स्कॉटलैंड के बैकपाइपर्स। तो हमारे इंडियन आर्मी या इंडियन मिलिट्री फोर्सेस में भी ये सेम ऐसे ही बैकपाइपर्स होते हैं। तो ये हमारे इंडियन आर्मी के 3rd गोरखा राइफल्स के बैकपाइपर्स हैं। और जैसे मैंने कहा कि स्कॉटिश आर्मी या स्कॉटिश मिलिट्री या यूके मिलिट्री हमारे इंडियन मिलिट्री से कैसे रिलेटेड है, तो ये उनके राज के टाइम पे, जैसे 200 साल उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, तो इन्हीं के जो बैकपाइपर्स हैं स्कॉटिश आर्मी के या फिर ब्रिटिश आर्मी के, उन्हीं से मिलता जुलता फिर इंडियन आर्मी ने भी अपने बैकपाइपर्स बनाए। और हर एक रेजिमेंट हो गया या हर एक राइफल्स हो गया, जैसे गोरखा राइफल्स, असम राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट या राजपूताना रेजिमेंट, सब सो डिफरेंट रेजिमेंट्स के डिफरेंट सॉन्ग्स हैं या म्यूज़िक है या बैकपाइपर्स हैं। और ये रहे स्कॉटिश बैकपाइपर्स, और इनकी भी ये स्कर्ट होती है, इसको टार्टन बोलते हैं। प्लस ये इनका ट्रेडिशनल बैकपाइपर्स है। ये आपको कहीं पे भी एडिनबरा सिटी में हो गया या स्कॉटलैंड के किसी भी मेन सिटीज़ में आप जाओगे तो आपको हर जगह पे स्ट्रीट्स में आपको ये बैकपाइपर्स जो है म्यूज़िक प्ले करते हुए आपको ज़रूर दिखेंगे। जानते हैं उसके पीछे की स्टोरी? स्टोरी का नहीं पता, लेकिन लंदन में ये जो टेलीफोन बोथ है, लाइक दे आर वेरी फेमस एवरीवन, क्योंकि ये एक रेड आपका जो मेल बॉक्स है वो और टेलीफोन, दे आर समथिंग यू नो लाइक वेरी डेडिकेटेड टू यूके, स्पेशली लंदन। सो एवरीवन हु गोस टू लंदन नेवर रिटर्न्स विदाउट हैविंग पिक्चर टेकन विद। एक पिक्चर ले सकते हो ना? ले ले, है ना? फॉर अस यू कैन इवन गो इनसाइड। आपको मैं एडिनबरा का क्रिसमस मार्केट आज पूरा एक्सप्लोर कराऊंगी। कौन सा फाइव स्टार होटल बुक करना है दिल्ली? रिकॉर्ड कर रही हूं मैं इवन के यू नो लाइक आई एम प्लानिंग टू गेट माय लाइसेंस सून। हाँ, तो फिर हम एक लॉन्ग यूरोप ट्रिप पे जाएंगे कार पे। हाँ, तो आपने स्पॉन्सर करना है। ठीक है ठीक है, बस पेट्रोल के पैसे मैं दे दूंगी रहने का तुम दोनों दे देना। वैसे तो यूरोप हम जाती ही हैं प्लेन पे एंड ऑल दैट, रोड ट्रिप पे, रोड ट्रिप पे। हाँ, तो अभी हम एडिनबरा के कार्ल्टन हिल में हैं और कॉफ़ी पी के इसके बाद हम जाएंगे क्रिसमस मार्केट एक्सप्लोर करने। और उससे पहले ये दोनों फोटो खींच रहे हैं, फराज एंड वर्विन। इसके बाद हम जाएंगे एंड क्रिसमस मार्केट एक्सप्लोर करने। चलोगे क्या? बैठेगा इसमें? मजा तो आएगा वैसे। मजा आएगा ना? मजा तो बहुत आएगा इसमें। तो आपको मैं लेके जा रही हूँ अंदर क्रिसमस मार्केट के। थोड़ा अंधेरा होने वाला है और मजा आएगा। यहाँ भी जैसे हम दशहरा दिवाली के टाइम पे नहीं होते एकदम एक्साइटेड होते और दुकानें लग हाँ क्या लूँ? जो पसंद आ रहा है ले लूँ क्या? बहुत अच्छा लगेगा ये।
तो अभी मैं, वरुण और फराज इस जाइंट व्हील में बैठने वाले हैं और इसका कॉस्ट है एडल्ट्स के लिए £10, दैट इज़ 1000, और बच्चों के लिए £6, दैट इज़ 600। तो आ गई है हमारी जाइंट व्हील और हम बैठने वाले हैं, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं इन दोनों को बोल ही रही थी बारिश है तो कुछ नहीं दिखने वाला, बट इनको वो है ना कुछ दिखे ना दिखे भाई ऊपर तो जाना ही है एक बार। भैया बारिश की छिटे तो हम घर की खिड़की में भी देख लेते। ये पूरे स्ट्रीट में खाना भी लगा हुआ है, एक तरफ खाना एक तरफ दुकानें, और जैसे इंडिया में पापा लोग कंधे में रख के चलते ना बच्चों को, यहाँ पर भी लोग अपने बच्चों को कंधों में रख के और घुमाते। देखो छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं क्रिसमस मार्केट घुमाने के लिए, और बहुत ही प्यारी वाइब्स है, बड़ा मज़ा आया, और बहुत कुछ है एडिनबरा में एक्सप्लोर करने के लिए, बट बारिश हो रही है इस वजह से हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। देर आर लॉट मैनी प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन एडिनबरा। तो ये है एडिनबरा की ट्राम जो कि मेन रोड में चलती है, और हमारे कलकत्ता में भी है सेम। और ये हम निकल गए क्रिसमस मार्केट से बाहर क्योंकि अभी हमें निकलना है घर की तरफ, और अभी सिग्नल आया नहीं है। यहाँ पर लोग रूल्स बहुत मानते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए यहाँ पर एक्सीडेंट रेट्स बहुत कम है कंपैरेटिवली। एंड अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, मैं, फराज और वरुण, और यहाँ बारिश तो हमेशा चलती रहेगी। तो अगले व्लॉग में हम लोग दोबारा यहाँ पर आने वाले हैं और अच्छे से पूरा एडिनबरा सिटी कवर करने वाले हैं। तो आज बस इतना ही क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम अब शाम भी हो गई है घर जाते हैं। और मेरा यह व्लॉग पूरा देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको मेरा वीडियो या मेरा व्लॉग पसंद आया तो नोमैडिक नोटियल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।